हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना कुटफिल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी, एक नया टेस्ट और एक नई खुशबू लेकर। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा चटपटा नाश्ता बनाने वाले हैं। अगर आप सुबह लंच में उसे लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, शाम की चाय के साथ भी आप उसे खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लिया है मैंने, एक कटोरी लिया है मैंने ये आटा, और 2 टेबल स्पून लिया है ये मेल्ट घी मैंने, और ये लिया है मैंने 1/2 पाव लिया है मैंने सिमलोना सूजी लिया है, और ये 1/2 स्पून लिया है मैंने जीरा, और 2 पिंच डालूंगी मैं इसमें हींग, और ये 1/4 मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, चौथाई चम्मच है ये लाल मिर्ची पाउडर, और ये 1 चम्मच लिया है मैंने कसूरी मेथी, ये लिया है मैंने 1/2 स्पून लिया है मैंने अजवाइन, और टेस्ट के अकॉर्डिंग है ये नमक सॉल्ट, और ये लिया है मैंने पानी डो बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बाउल, और मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले ये आटा, मैं डाल देती हूँ सूजी, जीरा, एक चुटकी हींग, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची, कसूरी मेथी, और ये है लिया है मैंने अजवाइन। और अजवाइन को मैं थोड़ा सा पहले इसे मसल लेती हूँ, क्रश कर लेती हूँ, और ये अजवाइन मैंने डाल दिया। 1/2 स्पून डाला है ये सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अब इस सबको कर लेती हूँ मैं अच्छे से मिक्स, और मैं बीच में इसे हल्का सा एक होल बना लेती हूँ। और मैंने ये लिया है 2 टेबल स्पून लिया है ये घी लिया है मैंने, तो मैं घी डाल लेती हूँ इसमें, और घी को अपने हाथों से मिक्स करूंगी मैं इसमें। और मैंने इस सब को कर लिया है अच्छे से मिक्स, और दिखाती हूँ इस डो को बांध के, ये एकदम बनने लगा है। तो मेरा डो बिल्कुल मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है, घी को भी इसमें, और मैं इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करूँगी। ना टाइट होगा ज़्यादा, ना थोड़ा ये ढीला होगा, और मैंने इसका बना लिया है एकदम परफेक्टली डो। देखिए आपको दिखा देती हूँ, ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा ये टाइट है। और मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ रेस्ट के लिए, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाइए। तो चेक कर लेते हैं अपना डो, 5-6 मिनट हो गए हैं। तो हम अपने हाथों में हल्का सा घी लगा के और इसे बिल्कुल चिकना कर लेते हैं। ओके, तो मैं चिकना कर लूंगी 2 मिनट के लिए इसे भी। और तो मैंने इसे कर लिया है एकदम चिकना, और मैं इसके छोटी छोटी लोइयां बनाती हूँ पहले, छोटी छोटी इस तरह की, मैं ऐसी ऐसी लोइयां बना लूंगी छोटी छोटी, जितना भी साइज आप रखें उतनी ही बनाएं। तो इस सब की मैंने बना ली है छोटी छोटी लोइयां, और इनको मैं गोल कर लेती हूँ पहले। तो मैं इनको पहले गोल कर लेती हूँ इस तरह से, और मैं सबको गोल बना लूंगी पहले, इस तरह से इनको गोल बना लेना है। ऐसे मैंने अपनी सारी लोइयां बना ली हैं। ओके, तो इनको बेलना करते हैं चालू। तो सबसे पहले मैं अपनी एक लोई लूंगी और उसको मुझे गोल बेलना है, और मैंने इसे गोल बेल लिया है पतला एकदम, आपको दिखा देती हूँ। और इस तरह से देखिए ये एकदम पतली बनाई है मैंने गोल, और इसको बलगाने के बाद में मैं ये लिया है मैंने थोड़ा सा, मैंने घी ले लिया है ये, और एक उंगली से मैं हल्का सा इस पर घी लगाने के बाद में, और इसे ऐसे फोल्ड करूंगी, और थोड़ा सा इस पर भी लगा दूंगी ऑयल, घी लगा दूंगी इस पर भी, और इसको लगाने के बाद में और मुझे इसे बेलना है थोड़ा सा, इसके किनारों को मारना है, और इस तरह से मैं इसे, ये इस तरह से मैंने बेल लिया है। और इसको बेलने के बाद मैं अपने फोर्क से, ये मैंने फोर्क लिया है मैगी खाने वाला, और इससे मैं इसके हल्के हल्के से इसमें होल बना दूंगी। ओके, और इस तरह से मैं अपने सारे स्नैक्स कर लूंगी रेडी। तो मैं इसे रख लेती हूँ इस तरह से, मुझे अपने सारे ये स्नैक्स बना के रेडी कर लेने हैं।
और इस तरह से मैंने अपनी सारी ये पूड़ियाँ बना के रेडी कर ली हैं, आपको दिखा देती हूँ। और मैंने इसको इतना आपको बेलना है इतना, और इसके बाद में थोड़ा सा हल्का सा घी लगाना है इस तरफ, और फिर फोल्ड करने के बाद में इस तरफ, और इसका एक ऐसा तिकोना आकार देना है, और इसे हल्का सा बेल लेना है किनारों से भी और वैसे भी। और आपको दिखा देती हूँ इस तरह का, आपको बेलने के बाद में फोक से इसमें हल्के हल्के छोटे छोटे इसमें होल बना देने हैं, और इस तरह से आपको दिखाती हूँ ये इस तरह से बना देने हैं। और मैंने अपने ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं, अब इनको फ्राई करते हैं। पहले तो कढ़ाई मैंने रख दी है, और इसमें डाल लेते हैं अब हम ऑयल फ्राई करने के लिए। तो 2-3 मिनट हो गए हैं, तो मैंने अपने डो का छोटा सा बॉल बना लिया है। चेक कर लेते हैं अपना ऑयल, और ये फ्राई होकर ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारा ऑयल हो चुका है कंप्लीट रेडी। और अब मैंने जो बनाए थे अपने ये पूड़ियाँ, इसको मैं इसमें डालूंगी, और मुझे इसको बिल्कुल मीडियम गैस पर ही इनको फ्राई करना है एकदम कुरकुरा होने तक, और एकदम गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए, सुनहरे कलर के। और इस तरह से मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इनको अलटते पलटते मैं गोल्डन ब्राउन करूंगी एकदम, और कुरकुरे उनको तलना है, और मुझे अपना मीडियम कर देना है फ्लेम। और ये होने लगे हैं हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन, और इनको अलटते पलटते मैं अभी इनको स्लो फ्लेम पर ऐसे ही इनको कुरकुरा होने तक तलती हूँ, जब तक ये थोड़ा सा और कुरकुरे नहीं हो जाते। अभी थोड़ा इनका लाइट कलर है, तो मुझे थोड़ा चुके हैं ये एकदम रेडी, बहुत ही अच्छा कलर आया है। और मैं इनको पलट लेती हूँ एक प्लेट में, तो मैंने पलट लिया है इनको एक प्लेट में, बहुत ही अच्छा कलर इनका आया हुआ है। और मेरे अब ये बाकी जो बचे हैं इनको भी मैं फ्राई कर लेती। और इनको भी मैं अलटते पलटते एकदम कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेती हूँ, और डार्क गोल्डन ब्राउन कलर कर लूँगी इसका सुनहरा होने तक। तो एकदम सिक्के हो चुके हैं रेडी, और बहुत ही अच्छा कलर आया है एकदम सुनहरा कलर। तो मैं अपना फ्लेम कर देती हूँ बंद, और इनको भी पलट लेती हूँ एक प्लेट में। और मैंने इनको भी कर लिया है एक प्लेट में, ओके। और मेरे खस्ता स्नैक्स बनके हो गए हैं रेडी, बहुत ही अच्छा कलर आया है, एकदम क्रिस्पी बने हैं। और मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल खस्ता बने हैं। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बता के आप मेरा उत्साहवर्धन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक रहिए बी हैप्पी बी हेल्दी।